नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जेरेनियम के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। अगर आपके पास ये पौधा है तो प्लीज़ आप एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिए। जेरेनियम विंटर में ग्रो होता है और आप इसे सीड से या कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। और बरसात के बाद जो हल्की हल्की ठंड शुरू होती है रात में, अक्टूबर नवंबर, वो टाइम बेस्ट है इसके सीडलिंग तैयार करने के लिए, या आप उस टाइम में कटिंग भी लगा सकते हैं। और ये जेरेनियम टोटल 400 कलर के होते हैं इसके फ्लावर। जैसे बोगनवेलिया में डिफरेंट वैरायटी के फ्लावर्स मिलते हैं, वैसे ही इसमें भी 400 डिफरेंट कलर के फ्लावर आते हैं। ये पिंक, रेड, येलो, वाइट, ये तो बहुत कॉमन है, लेकिन डिफरेंट पर्पल और भी बहुत सारे कलर का फ्लावर आप देख सकते हैं इसमें। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल पेटल और एक मल्टी पेटल होता है। जैसे इसमें देखिए, ये सिंगल पेटल है और इसमें मल्टी पेटल में ये गुच्छे में होता है, यहाँ पूरा गुच्छे में होता है। और मल्टी पेटल नीचे की तरफ लटकता है, ये जैसे ऊपर की तरफ है वो नीचे की तरफ लटकता है, जो जिसे हम लोग हैंगिंग बास्केट अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और अब पॉटिंग मिक्स की बात करते हैं, तो ये वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए इसे। जैसे आप एक हिस्सा सोयल, एक हिस्सा सैंड कॉम, या एक हिस्सा कॉम्पोस्ट, या आप कोको पीट में भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत सॉफ्ट मिट्टी चाहिए होता है, इसमें बहुत सॉफ्ट ये मिट्टी चाहिए होता है। आप ऐसा मिक्स तैयार कर सकते हैं। और गमला आप 8 से 10 इंच का गमला आप तैयार कर सकते हैं। आप छोटे पौधे में भी ये ग्रो हो जाता है, ये बहुत इजी टू ग्रो और इजीली मेंटेन प्लांट है। और आप इसमें खाद के बारे में बात करें तो आप ऑर्गेनिक खाद या भी दे सकते हैं या इनऑर्गेनिक भी दे सकते हैं। इनऑर्गेनिक में जैसे NPK है, एप्सम सॉल्ट, DAP, ये सब आप दे सकते हैं। और ऑर्गेनिक में आप मस्टर्ड केक हुआ, ऑर्गेनिक खाद जैसे कि लिक्विड गोबर, गोबर का जो खाद होता है उसका आप लिक्विड बना लीजिए, या आप बनाना पील, ऑरेंज पील, ये सब भी आप हफ्ते में एक बार देंगे तो इसके लिए काफ़ी है। मैं तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही देती हूँ, मैं इनऑर्गेनिक में यूज़ नहीं करती है। और अब सनलाइट की बात करें तो ये विंटर में आप इसे फुल सनलाइट में रखिए, जैसे जहाँ पे 5 से 6 घंटे की सनलाइट आती हो ऐसी जगह में रखिए विंटर में। और फरवरी मार्च में आप इसे दोपहर की धूप से बचा के रखिए। और गर्मी में हम लोग के एरिया में इसे बचाना मुश्किल होता है, पहाड़ी एरिया में तो ये 12 महीने ही बहुत अच्छे से ग्रो करता है, बट ये गर्मी में, समर में बचाना मुश्किल है। तो आप समर में इसको बचाने के लिए आप सुबह की 1 घंटे की धूप इसके लिए काफ़ी है, ऐसे रखिए। उसके बाद इसको छांव में रख दीजिए, या आप किसी भी पौधे, बड़े बड़े पौधे के नीचे रख दीजिए ताकि धूप छन के आती हो और नमी बनी रहे, ऐसे जगह में आप समर में इसको, इस पौधे को रख सकते हैं। और इसमें ज़्यादा फंगस वगैरह अटैक नहीं करता है, पर आप नीम ऑयल का स्प्रे महीने में एक बार करें तो इसके लिए काफ़ी है। और मस्टर्ड केक आप अगर फर्टिलाइज़र के तौर पे हर 15 दिन में इस पे दे तो ये अच्छे से ग्रो होगा, कोई फंगस वगैरह नहीं लगेगा। और ये बहुत ही इजी ग्रोइंग और बहुत ही सुंदर प्लांट है, आप इसे विंटर में लगाइए, आपके गार्डन में, गार्डन को बहुत ही सुंदर लुक देगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा।
और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू।